आज हम देखते हैं शान की मॉम हमेशा कमरे में ही रहती थी, तो योशी की मॉम उन्हें बहाना देके गेम खेलने ले आती है। वो खेलना नहीं चाहती थी लेकिन एक बार घुस जाने पे उन्हें भी इंटरेस्ट आ जाता है। अगले दिन शान जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है। एक जगह उसे ये कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है कि अगर वो उसे जॉब देंगे तो उसकी कंपनी उन्हें और हेल्प नहीं करेगी। एक जगह उसे उसके पापा को लेके इंसल्ट किया जाता है और आखिर में इतने सारे लोग बैठ के उसका तमाशा बनाते हैं। शान जिस एटीट्यूड में रहता था पहले और आज उसकी जो हालत थी उस पे सब हंसते हैं। वो शान को असिस्टेंट का काम देना चाहते थे। वो कहते हैं ना, हाथी जब गड्ढे में गिरती है तब चींटी भी उसे लात मार के जाती है। शान की हालत ठीक वैसे ही बन चुकी थी। वहाँ जैंग तो जिशान को लेके परेशान हो चुका था। सिर्फ जैंग ही नहीं, बोर्ड का हर मेंबर उसे लेके परेशान हो चुके थे। जिशान रोज़ ऑफिस आने में लेट करता था और ऑफिस से जल्दी चला जाता था। अब सबको शान की टाइम को लेके जो पंक्चुअलिटी थी वो याद आती है। जिशान अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। बोर्ड मेंबर की ओपिनियन लेना वो ज़रूरी नहीं समझ रहा था। मीटिंग पे आके वो बस अपनी राय रखता है। उसने बहुत प्रोजेक्ट कैंसिल करने का फैसला लिया था। कंपटीटर कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के बारे में सुन के तो सबके होश उड़ जाते हैं। जैंग ने जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था। जिशान अपनी बात रख के मीटिंग से चला जाता है। अब हमें पता चलता है जिशान क्यों देर से ऑफिस जाता था और जल्दी घर वापस आता था। कंपनी गई बाहर में, पहले उसे फैन को संभालना था। फैन गिल्टी फील कर रही थी, उसकी वजह से जिशान का काम नहीं हो रहा था, लेकिन जिशान को बस फैन की खुशी चाहिए थी। फैन अंदर से खाली महसूस कर रही थी। जिशान का कोई भी ट्रिक फैन पे नहीं चल रही थी, फिर भी कोई उसके लिए इतना कर रहा था। थोड़ा सा रिस्पॉन्स करने की जिम्मेदारी तो उसकी भी थी। वह ताईजू जैंग से एक्सप्लेनेशन मांगने आता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का कैंसिल होना, आखिर ये सब क्या चल रहा था? वो अपनी कंपनी से बात करने की बात करता है, लेकिन ऐसा होने से जैंग के कंपनी को फंड मिलना बंद हो जाता ताईजू की कंपनी से। इसीलिए वो ताईजू को थोड़ा वेट करने के लिए बोलता है, जब तक वो जिशान से बात नहीं कर लेता। वहाँ शान थका हुआ हारा सा होटल वापस आता है, लेकिन योशी के रहते वो कैसे हारा हुआ महसूस कर सकता था? योशी उसे याददाश्त होने वाले शान की बातें सुना सुना के शान के अंदर स्ट्रेंथ भर देती है। वो उसके लिए खाना लगाती है। वह आज भी शान की मॉम इनके साथ गेम खेलने बैठी थी और आज तो वो इतनी एंजॉय करती है कि उनकी खुशी शान के कानों तक आके पहुंचती है। थोड़ी देर बाद शान का असिस्टेंट आता है कंपनी के बारे में खबर देने। जिशान आजकल जो भी कर रहा था वो गलत था जान के भी शान जिशान पे भरोसा रखता है। उसे विश्वास था बिना रीज़न के जिशान ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उसे पता चलता है जिशान के हरकत की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉय ने रिज़ाइन देना शुरू कर दिया था। शान अब कंपनी का कोई नहीं था, इसीलिए वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अगले दिन पहली बार शान की मॉम योशी के बातों पे थोड़ा सा अच्छे से रिस्पॉन्स करती है। शान और योशी गेम को लेके उनकी तारीफ कर रहे थे। तारीफ सुन के वो पिघल रही थी। ऐसे में ये और एक खुशी की खबर लाता है। इनके होटल में एक टूर ग्रुप आने वाले थे, लेकिन जितना कमरा चाहिए था उसमें दो कमरा शॉर्ट पड़ रही थी। शान कहता है वो और उसकी मॉम उनका कमरा छोड़ देंगे। अब सवाल ये था कि वो दोनों अब रहते कहाँ? योशी उन्हें अपने घर ले जाना चाहती है। शान की मॉम कहीं ऑकवर्ड फील ना करे इसीलिए वो कहती है उसकी मॉम उनसे गेम खेलना सीखना चाहती थी, तो वो उन्हें गेम की ट्यूशन दे सकती है। शान की मॉम उसकी बातों पे हंसती है। अगले सीन में हम देखते हैं योशी इन्हें घर ले आती है। शान की मॉम को योशी का कमरा दिया गया था और शान शेंजंग के साथ रहने वाला था। अगले दिन शान यहाँ पे रहते जो कपड़े पहनता था वो पहन के योशी के साथ सामान डिलीवर करने जाता है और योशी की मॉम शान के मॉम से आलू छिलवाती है। वहाँ जिशान फैन को काउंसलिंग के लिए लेके आया था। उससे सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर जिशान से कहती है फैन डिप्रेशन में थी। योशी शान को लेके फिर से दादी माँ के यहाँ डिलीवरी देने आई थी। वहाँ से आते वक्त योशी शान को यहाँ पे हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। बातों ही बातों में शान कहता है उसने फेल किया है। याददाश्त खोने के बाद वो यहाँ बहुत खुश था, लेकिन चाहकर भी वो उसके जैसा फील नहीं कर पा रहा, वो उसके जैसा नहीं बन सकता। योशी कहती है वो समझ रही है कि वो अपने और याददाश्त खोने वाले शान को लेके परेशान है,
पर वो भरोसा रखे एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसे वो वाला शान जैसा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं। शान भी कोशिश कर रहा था सब कुछ एक्सेप्ट करने की। अब जिशान तो ऑफिस जाता नहीं था, इसीलिए जैंग को ही उसके घर आना पड़ता है। फैन के सामने जैंग कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, इस बात से जिशान अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो पूरी कोशिश करता है जैंग को यहाँ से भगाने की, लेकिन जैंग अपनी बातें बोल कर ही रहता है। फैन को इतना समझ में आ गया था जिशान की वजह से कंपनी में प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन जिशान फैन को ज़्यादा सोचने से मना करता है। जैंग जिशान को यहाँ समझाने आया था, लेकिन जिशान उसे हर बार की तरह इंसल्ट करके भगा देता है। फैन के पास बहुत सारा सवाल था, जिशान अपने जवाब से उसे समझा देता है, जिन लोगों ने उसका दिल तोड़ा वो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट काउंसलिंग में फैन को एहसास होता है पहले दिन से ही जिशान उसके लिए करता आया है। शान के घर में शान नहीं बल्कि जिशान ने उसे अंदर लेने के लिए बोला था। अंदर से एक नया फैन बाहर आती है। अगले सीन में हम देखते हैं शान की मॉम बच्चों की फ़ोटो को देख उनकी बॉन्डिंग मिस कर रही थी, तभी योशी की मॉम वहाँ आती है। शान की मॉम पहली बार उनसे थैंक यू कहती है। योशी की मॉम भी उन्हें सजेस्ट करती है अगर वो अपने बच्चों को मिस कर रही है तो उन्हें खुद जाना चाहिए उन्हें देखने। अगले दिन फैन जिशान के घर को अपना मान के ब्रेकफास्ट बनाती है। एकदम जिशान की पत्नी जैसा बिहेव करने लगती है। जिशान को भी एहसास होता है ये वाली फैन एकदम नई थी। इसी बात पे वो फिर एक बार अपनी दिल की बात उसके सामने रखता है। इस बार फैन उसे मना नहीं करती, बस उसे थोड़ा वक्त देने के लिए बोलती है। वहाँ शान की मॉम जब फैन को देखने जाने के लिए निकल रही थी, तब योशी अपनी कार की चाबी शान को देती है उन्हें ले जाने के लिए। शान की मॉम को बहुत अच्छा लगता है फैन मूव ऑन कर चुकी थी। देख उन्हें फैन और जिशान के रिश्ते के बारे में जान के उतना बुरा नहीं लगता। दरअसल वो फैन की खुशी में खुश थी, फैन के हर फैसले पे उनका फुल सपोर्ट था। अगले सीन में हम देखते हैं जिशान ड्रिंक करके घर आता है। वो फैन से बार बार आई लव यू कहने लगता है, फिर बहुत लाचार होके वो उसके प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, जिससे फैन राजी हो जाती है। आज दो भटके हुए प्रेमी मिल जाते हैं। अगले दिन शान जिशान से मिलने आता है। वो क्या सोच रहा था कंपनी को लेके, ये उसे जानना था, लेकिन जिशान उसे इंसल्ट करके अंदर चला जाता है। शान ने फैन को बुलाया था मिलने के लिए। पहले तो वो फैन से दिल से माफ़ी मांगता है उसे हर्ट करने के लिए, फिर वो उससे जानना चाहता है कि उसे जिशान के काम के बारे में कितना पता था। फैन को वैसे तो कुछ पता नहीं था, लेकिन वो शान के लिए उससे जानने की कोशिश करती। अगले सीन में हम देखते हैं फैन जब जिशान से ये जानने की कोशिश करती है उसने उसके कंपटीटर कंपनी के साथ हाथ क्यों मिलाया था, तब जिशान को समझ में आ जाता है शान ने ही उसके दिमाग में ये बात भरी होगी। फैन उसके दिल में शान के परिवार के लिए जो करवाहट थी वो दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जिशान इतनी आसानी से भूलने नहीं वाला था। वो मूड ऑफ करके अंदर चला जाता है। वहाँ शान और योशी रोमांटिक बातें करते करते अचानक से शान योशी को किस करता है। मिस्टर टैंग उन्हें देख के ऑकवर्ड होके अंदर चले जाते हैं और योशी बहुत एम्बेरेस्ड हो जाती है। शान दोबारा उसे किस करता है और इस बार दोनों की मॉम देख लेती है। इनके यहाँ किस करना जैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, बस थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते थे सामने, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। शान की मॉम तो उन्हें देख खुश होती है। वहाँ ताइचो फिर से अपने इस फ्रेंड को बुला के जिशान के फ़ोन को ट्रैक करके सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। वहाँ इनका रोमांस तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, इसीलिए ताइचो इन्हें ऐसे देख लेता है। बेचारा ताइचो, खैर क्या ही कर सकते हैं। ताइचू यहाँ शान से मिलने आया था। वो उसे और उसके मॉम को जिशान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है। शान को पता था जिशान बस फैन की बात ही सुनता, इसीलिए ये दोनों अगले दिन ही फैन से मिलने आते हैं। उसे भी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। शान कहता है अगर जिशान कंपनी को कंपटीटर के हाथों सौंपेगा तो उसे भी क्रिमिनल कहा जाएगा, उसे भी पुलिस पकड़ेगी। दरअसल कंपटीटर एक नंबर का फ्रॉड और क्रिमिनल था।
फैन डर जाती है। ऐसे में जिशान का कॉल आता है उसे। वो फैन से ट्रिप का प्लान डिस्कस करने फोन किया था। जिशान के पूछने पे फैन सिर्फ इतना बताती है कि वो कॉफी शॉप आई थी, लेकिन शान और उसकी मॉम के बारे में कुछ नहीं बताती। जैंग फिर से जिशान से ये कहने आया था वो ये क्या कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं थी। जिशान के दिमाग में अभी सिर्फ नफरत घूम रही थी। वो सब कुछ बर्बाद कर देना चाहता था।